26 की रात 9 बजे दो व्यक्तियों के बीच हुए विवाद में तीक्ष्ण हथियार से वार करके एक ने दूसरे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। फूले वार्ड सुदर्शन नगर निवासी दशरथ लाल चंद्र मोकरे और सागर मकरे के बीच रात 9 बजे किसी बात पर विवाद हुआ। मस्जिद के पास दोनों में मारपीट हुई थी। मारपीट में जख्मी दशरथ अपने मकान की ओर आया, तभी पीछे से आकर सागर ने उसकी पीठ पर तीक्ष्ण हथियार से वार किया। जब दशरथ पलटा तो उसकी छाती पर और हाथ पर वार करके सागर वहां से भाग गया। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही थानेदार संपत चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने गंभीर जख्मी दशरथ को उपजिला रुग्णालय में दाखिल किया, जहां उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने पर उसे सेवाग्राम ले जाया गया। इसी बीच पुलिस को मिली सूचना के आधार पर जाम से नागपुर भागने की कोशिश कर रहे सागर को शेखर डोंगरी, नीलेश तेलरांधे, सचिन भालशंकर, सचिन घेवंदी ने जाम से गिरफ्त में ले लिया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि यनोरकर की रिपोर्ट।